अपने भगवत प्राप्ति में अगर कोई विशेष बाधा है तो भोग और संग्रह की इच्छा, जो हमें वस्तु प्रिय लगता है, ऐसा लगता है उसे हम सदैव अपने अधिक मात्रा में समीप रखें। जो व्यक्ति प्रिय लगता है उसको समीप, जो अनुकूल लगता है वो समीप, संग्रह करने की इच्छा और उसे भोगने की इच्छा, यही इच्छा ही भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक है। मकड़ी अपने ही मुख से जाल फैलाती है और उसी में विलास करती है, फिर उसी में मर जाती है। ऐसे ही इच्छाओं का जाल फैलाता है विषय उपासक और उसी जाल में खेलता है, सुख का भाव रखता है और उसी में बार बार जन्म मरण का जाल फंस जाता है, नहीं निकल पाता। जो भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य हैं, उनकी प्रभु की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, वो इससे आगे समझ नहीं पाते कि इससे भी बड़ा कोई महान सुख है। ये तो भ्रमात्मक है, एक सच्चिदानंद सुख है, उनको ऐसा भाव ही नहीं आ पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, भोगे हुए, जितने ये भोग हैं ये सब दुख प्रदान करने वाले हैं, त्रिगुणात्मिका माया का जादू है, इसलिए इनसे हटो। और जो इन सुखों को प्राप्ति कराने के उपाय बताए गए हैं वो भी सकाम है, इसलिए उनका भी त्याग करो। त्रिगुण विषयावेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। यहां परम सुख की महिमा बताने के लिए प्रभु कह रहे, वेदों की अवहेलना नहीं करें, क्योंकि वेद चतुर वैद्य हैं। सकाम औषधि दे करके, सकाम भाव रूपी औषधि दे करके, अंततो गत्वा उन्हें निष्काम में ही उनको लाना आंतरिक भाव है। जैसे कोई व्यभिचार में प्रवृत्त है तो उसे ब्याह की सीमा में कर देना। आप ऐसे बहुत से ऐसे उपायों के द्वारा जीवों की मनोवृत्ति की जो स्वतंत्रता में पापाचरण करने के भाव, उनको शास्त्र शासन में लेकर सीमित करके निष्काम भाव में चलाना है। प्रभु कह रहे निर्द्वंदो, कल चर्चा हुई थी, जब तक आप निर्द्वंद नहीं होंगे तब तक आपका सम्मोह भाव नष्ट नहीं होगा। एक सम्मोहन बाण होता है, जैसे सम्मोहन बाण चल जाए तो आप आपे में नहीं रहेंगे, बाण चलाने वाला जैसा संकल्प किया वैसा ही होंगे। ऐसे ही ये द्वंद सम्मोहित करते हैं, जैसे कोई प्रशंसा अपनी करे तो सम्मोहित, बहुत अच्छा आदमी, ये अच्छा लगेगा, अनुकूलता लगेगी, और कोई निंदा करे तो प्रतिकूलता, द्वेष, दोनों में सम्मोह हो गया। द्वंद से सम्मोह होता है, जो निर्द्वंद हो जाता है वह सुख पूर्वक संसार से तर जाता है। निर्द्वंद होने पे ही मूढ़ता जाती है और मूढ़ता रहित ही परम पद का अधिकारी होता है। निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। हमारी साधना उपासना का फल है निर्द्वंद हो जाना। शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, निर्द्वंद। सुनने में तो अच्छा लगता है, जब निर्द्वंद होने के लिए कमर कसोगे तो जैसे ईंट और मटकी पकाने के लिए भट्ठा लगाया जाता है उसमें आग लगाई जाती है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय को निर्द्वंद करने के लिए आग लगाई जाएगी। हर बात सहनी पड़ेगी, प्रशंसा में हर्ष नहीं, निंदा में शोक नहीं, सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में शोक नहीं, लाभ में हर्ष नहीं, हानि में शोक नहीं, निर्द्वंद। अगर हमारे हृदय में इन द्वंद्वों का प्रभाव रहा तो अभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हुए। निर्द्वंद होने का बहुत सरल उपाय है,
जो भी द्वंद उपस्थित हो, विश्वास करो वो तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा किया गया विधान है, प्रभु के द्वारा, मेरे प्रभु के द्वारा जो विधान किया गया मेरे लिए भाव रोग के लिए परम औषधि है। जैसे वैद्य कड़वी दवा दे या मीठी दे, हम इस बात पर नहीं ध्यान देते, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैद्य के दिए हुए औषधि से हमारा रोग निश्चित नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सद वैद्य प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो अनुकूल प्रतिकूल निंदा अपमान लाभ हानि आदि का विधान किया गया है वो हमारे लिए मीठी और कड़वी औषधि है, और ये दोनों हमारे संसार राग का नाश कर देंगे, बस आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर ये बात हृदय में नहीं रखी तो व्यक्ति दिखाई देगा और व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूलता प्रतिकूलता वो आपको फांस लेगी। कहीं आपको राग हो जाएगा तो कहीं आपको द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता से राग हो जाता है, प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, नित्य सत्व में स्थित रहो। नित्य सत्व है हमारे प्रभु, हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, हर समय प्रिया प्रीतम में स्थित रहना है। एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से अलग हुए कि त्रिगुणात्मिका माया जाल रचने लगेगी। ये बहुत सावधानी की बात है, उपासक है अपने हृदय में इस बात को बैठा लें। प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटा कि त्रिगुणात्मिका माया यही अंतःकरण में बैठकर ऐसे जाल रच देगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक एक जाल इतना जोर का हो जाता है कि वहीं लड़खड़ा जाते हैं, फिर ये तो पूरा का पूरा जाल फैलाए हुए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी लाखों वृत्तियां, काम की लाखों वृत्तियां, क्रोध की लाखों वृत्तियां, ये कितना, जैसे एक वृक्ष का मूल, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, ऐसे ही नित्य सत्वस्थो, हर समय सब में प्रिया प्रीतम को देखना नित्य सत्वस्थो है। चिद अचिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, भगवत स्वरूप ये संसार है। ज्ञानी पहले इसे मिथ्या देखता है, फिर देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन जहां से ज्ञानी सब जगह भगवत भाव रखता है वहां से भक्त प्रारंभ करता है। भक्त की प्रारंभिक साधना यहीं से होती है, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। अगर ये बात नहीं हुई तो कोई भी बात परिपक्व नहीं हो पाएगी, ना द्वंद्वातीत हो पाओगे, ना योग क्षेम की तरफ से बेपरवाह हो पाओगे, ना राग द्वेष रहित हो पाओगे। तो फिर एक निश्चय की बुद्धि ही नहीं बन पाएगी तो परमात्मा प्राप्ति किसको होनी है, तुम्हारे निश्चय को ही होनी है। अगर तुमने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो उसका परिणाम आपके हृदय में आना चाहिए कि आपका भोग और संग्रह में राग नहीं होगा, आपका किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से राग या द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होगी, आप द्वंद्वों में फंसेंगे नहीं, आप सब में भगवत भावना युक्त रहेंगे। अगर ये लक्षण नहीं आते तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। अगर ये है तो परम पद में आरूढ़ होने का अधिकारी हो गया, अगर ये नहीं तो तुम्हारी बातें बनाने से थोड़ी होगा हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। ऐसे थोड़ी, ऐसे भगवत साक्षात्कार थोड़ी, पहले स्थिति आती है फिर भगवत साक्षात्कार होता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, हमारा प्रभु ही सब जगह परिपूर्ण है, ऐसी भावना से तुम्हारा हृदय भर जाए। यहां कह रहे हैं कि जो प्रभु का शरणागत होता है उसका प्रधान गुण होता है शरण्य प्रभु का हर समय चिंतन होना। किसी व्यक्ति में हमारा मन गया या वस्तु में गया या स्थान में गया, फट से हमें
भावना कर, ओ ये भी प्रभु, हमारे प्रभु इस रूप में, ये वस्तु के पहले प्रभु थे, वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु है, ये वस्तु केवल भास रही है, जैसे गले का हार या कंकण, ये पहले भी सोना था बाद में भी सोना रहेगा, बीच में कंकण या हार उसको नाम दिया गया है सोना ही, ऐसे ही जड़ चैतन्य अच्छा बुरा जो भी हम नाम देते हैं वो बीच का है, पर मूल में भी प्रभु थे, बाद में भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु हैं, केवल हम प्रभु को ना देख करके इसमें फंस जाते हैं नाम रूप में, यही माया है। बहुत बढ़िया हार है, बहुत बढ़िया कंकन है, बहुत बढ़िया अंगूठी है, पर यह पता हो कि यह अंगूठी स्वर्ण की है तो आप उसके महत्व को समझ रहे हैं। अपने लोग क्या करते हैं, प्रभु ही पहले थे, बाद में भी प्रभु ही रहेंगे, बीच में भी प्रभु ही बने हुए हैं, पर हम मूल दृष्टि ना रख करके बाहरी नाम रूप की रख लेते हैं, यह पत्नी, ये पुत्र, ये शत्रु, ये मित्र, ये दुष्ट, ये महात्मा, ये उत्तम, ये अधम, ये जो हमारी मान्यता माया के द्वारा बन गई है, इसको भगवत भक्ति के द्वारा मिटाना होगा। नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य होकर शरणागति भाव से भजन करना ये भक्त का सर्व प्रधान लक्षण है। प्रभु का होके नित्य निरंतर प्रभु का भजन करना ये प्रधान लक्षण भक्त का है। किसी फल के लिए प्रभु को रिझाने की जो चेष्टा की जाती वो भी भक्ति है, पर यहां वृंदावन में उस भक्ति का आदर नहीं है। यहां तो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए, सोचो, इसीलिए ये पहले सिद्धांत पुष्ट हो जाए तो बात समझोगे, नहीं तो जो वेद है वो चार का वर्णन करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम् विजयताम् किमतद् व्रता वार्तया। ले, बेकार की बात हमारे सामने मत करो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेदातीत, वेद से जो वेद दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमें प्रभु से सुख चाहिए, यह भी भक्ति, बहुत जोर की भक्ति कि हमें केवल प्रभु से सुख चाहिए, वो भी किसी वस्तु पद प्रतिष्ठा वाला नहीं, प्रभु के नाम रूप लीला गुण से मैं सदैव सुखी रहूं, यह भी महान भक्त है। पर यहां वृंदावन की उपासना है जिसमें मेरे प्रभु को सुख पहुंचे, वही मेरी बुद्धि में बात आवे, वही मेरे से चेष्टा बने, वही मेरे से संकल्प बने जिससे मेरे प्रियालाल सुखी हो, ये बात बहुत दूर की है सबसे। अरे वो भगवान हैं, उनसे सुख लेना, हम जीव हैं, हम तुच्छ जीव हैं, वो ईश हैं, सुख समुद्र को हम सुख पहुंचाएंगे, अरे थोड़ा सुख का किनका मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। हाँ ये भी भक्ति है, लेकिन यहां की भक्ति नहीं है। यही तो कहा है कि कोई बिरला ही समझ पाता है हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जानिए। ये आचार्य शरणागत के प्रभाव से भाव आता है, लाडली लाल को सुख पहुंचाना, लाडली लाल को सुख पहुंचाना, बिक जाते हैं लाडली लाल, ऐसे उपासक के हाथ बिक जाते हैं। प्रिया प्रीतम के सुख का थोड़ा भी विधान और वो महासुख की राशि, वो आप उनके सुख के लिए दो पल्लव सजा दिए, दो फूल सजा दिए, वो इतने करुणा में है कि उनको लगता है क्या दे दूं। नहीं, माया नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, नहीं नहीं, ये धोखे में नहीं डालना। वो अज्ञानी है, भले मांग रहा है लेकिन मेरे पास आए, अब मुझे बनावट नहीं देना इसको, ये माया की बनावट नहीं दे, अब मैं आपका हो गया, प्रभु उसके अधीन हो, प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। अब भावे मोहे जोई सोई सोई करें प्यारे, ये वृंदावन का प्रेम रस। इसीलिए पहले जीवत्व से उठो, देह भाव से उठो, तब इस भाव को समझ पाओगे। केवल बातें बनाने से नहीं होगा,
अगर देह भाव नहीं छूटा तो जरा सी परेशानी आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को। अगर लोक सुखों से राग नहीं गया तो थोड़ी सी अर्थ राशि की जहां लाभ की वृत्ति आएगी तुम्हारे अंदर तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को, और जहां हानि की वृत्ति आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को, क्योंकि सुख का विधान तुम्हारे दिमाग में लौकिक वस्तुओं से है तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम। इसलिए ये काट जरूरी है, ये काट हो जाए तो आचार्य शरणागति से वो रस आ जाएगा जिससे मन मन की रुचि जानी नेह विद। अरे कैसे तुम्हें बताए, एक बार निकलो इस जाल से, निकलो शरीर राग से, एक बार निकलो महान सुख बरसती रहती है श्री। हम कैसे तुम मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो बात हम बता सके, बरसती रहती सुख की उबाल आती रहती, हृदय ऐसे नाचता है महारानी जुम का आश्रय हो जाने से। कैसे बताए, कोटि ब्रह्म सुख भी न्योछावर है इनकी मंद मुस्कान पर। जो उपनिषद का चरम भाग है जिसमें जीव ब्रह्म की एकता का भाव बताया गया है उसका फल है मोक्ष, न्योछावर है लाडली जू की मंद मुस्कान पर। ऐसा महाप्रेम रस स्वरूप हमारी स्वामिनी जी हैं। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमय रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते, जय हो ऐसे सुकुमार तत्व की। पर वहां तक पहुंचने के लिए इस जाल से हटना पड़ेगा, वो ही विधान बनाएंगी शरणागत हो, वही विधान वही तो सुनवा रहे। जो अपने सुख के लिए प्रभु का भजन करता है वो भी भक्त है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भक्ति नहीं। पहले तो समझिए देह सुख, देह सुख के भोगों की संग्रह वृत्ति, हे नाथ कृपा करो जो चाहूं वो मिल जाए, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। दूसरा देह सुखों से वैराग्य हो गया, आत्म सुख की चाह, निर्द्वंद जीवन मुक्त परमहंसों का सुख मुझे मिले, ये भी महान भक्त है। लेकिन मुझे चाहे नारकी दुख मिले, आपको सुख मिले लाडली लाल, मैं क्या करूं ऐसा, मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा, पर हृदय में ऐसा है कि क्या कर दूं जिससे आप लाडलो को रिझा लूं, आप दोनों को सुख पहुंचा दूं। ये है यहां का जो उपासना का स्वरूप, ये यहां अगर सीधे इसकी चर्चा हो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, केवल बातें बनाना आ जाएगा, आप भी ये बातें बोल लेंगे लेकिन स्थिति ना होने के कारण दशा बहुत नीचे की दिखाई देगी, बहुत निम्न। इसीलिए जैसे कोई बहुत बातें बनाता है तो हमें लगता है कि बातों से प्रीति नहीं होती, खूब नाम जप करो और सिद्धांत से चलो तो बातें बनाने की जरूरत नहीं, तुम में स्थिति आ जाएगी। नहीं, जब परीक्षा का समय आएगा तो स्थिति ना होने पर फिर आप डगमगा जाओगे पक्का। परीक्षा का तात्पर्य होता है माया का आक्रमण, जब उसका आक्रमण होगा जिस देह से बहुत प्यार करते हो इसी में तुम्हें भयानक रोग दे दिया जाए, अब मुस्कुराओ लाडली जी के पास जाना है। अगर रो दिया डिस्टर्ब हो गए भजन छूट गया, कैंसर, दिल फेल, किडनी खराब, तो होगा ही, नाशवान है, मरना है, ठीक है एक बार मरना है, तिथि पक्की है, तारीख पक्की है, जाना है। ब्याह की तारीख पक्की होने पर कैसा लगता है, जब किसी का ब्याह तय हो जाता है कैसा लगता है, वो पुलका पुलका घूमता है किसी नाशवान प्रीतम की प्राप्ति के लिए। और हमारा तो गुरुदेव ने अविनाशी प्रीतम से पाणी ग्रहण करा दिया है, अब वो तिथि पक्की हो गई कि अब इस घर से जन्म जन्म के लिए हट करके अपने प्रीतम के पास जा रहे हो, अब क्या शोक। ये कैंसर, ये किडनी फेल होना, ये दिल फेल होना, या बड़े बड़े रोग आना, मानो पालकी आई है प्रीतम के पास ले जाने के लिए। हमें खुशी होना चाहिए कि हमें डिप्रेशन में पहुंच जाना चाहिए, डिप्रेशन में पहुंच गए, क्यों, क्योंकि स्थिति नहीं, तो बात बनाने से थोड़ी बात बनेगी, बातन प्रीति न हो सकीरी, ये बातों से थोड़ी बात बनेगी, समझो। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन करना। हम राधा बोलते हैं प्रीतम की मुस्कुराहट देखने के लिए, और श्याम बोलते हैं प्रियाजू की मुस्कुराहट देखने के लिए, इसलिए युगल मंत्र युगल नाम जप करते हैं इनकी प्रसन्नता के लिए।
ये हमारी उद्धार की साधना नहीं, हम युगल नाम युगल मंत्र जपते हैं युगल को सुख प्रदान करने, हम गाते हैं नाचते हैं इनकी सुख के लिए। अपना अस्तित्व भूल जाना ये हमारी उपासना का रंग है, पर यहां तक चलने के लिए पीछे बहुत कुछ है, उसे छोड़ना होगा। जैसे जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही इस मार्ग के पथिक को श्यामा श्याम का नाम जप करना अनिवार्य है। श्वास छूटी मर गए, नाम छूटा पतित हो गए। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश। पकड़ो इस बात को। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते श्वासोच्छ्वास की भांति तुम्हारा नाम चलना चाहिए। कभी भी इसमें विश्राम की स्थिति नहीं आनी चाहिए नाम में। ये 4 घंटे हो गए जबान दर्द, कोई कोई कहते हैं कि जबान दर्द करने लगती है, माथा दर्द करने लगता है। हम मानते हैं ऐसा होता होगा क्योंकि आपने विषयों में अपनी ऊर्जा शक्ति खत्म कर दी है, मानते हैं। लेकिन इसी से पुनः ऊर्जा शक्ति आ जाएगी, इसी से आप में सामर्थ्य आ जाएगी। नहीं तो जबान प्रपंच की बातें करते हुए कभी थकती है क्या? कभी आपको लगता ही नहीं कि मैंने बात की है 4 घंटे बात कर। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो गोंद की तरह चिपक जाते हैं, हटना चाहो तो भी बात मतलब ऊब करके या तो डांटना पड़ेगा या तो हटना पड़ेगा, वो बातें नहीं खत्म। उनकी जबान नहीं दर्द कर रही, तुम्हें राधा राधा बोलने से जबान दर्द। कितना प्रपंच 24 घंटे सोचते रहे कभी सर दर्द नहीं किया, श्री जी का नाम जप के माना कि ये माया आपको ऐसा आभास कराएगी, पर आप घबराना नहीं, महामंगल हो जाएगा, बड़ी सामर्थ्य आ जाएगी। ये छोटी मोटी बातों को लेकर भजन में कि अब इतना जप किया तो ऐसा, बोले ज्यादा भजन करने से दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा प्रपंच चिंतन करने से दिमाग खराब होता है। आज तक कोई भजन में पागल हुआ है? अस्पताल ले गया भाई और वहां डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया, आज तक एक बताना उदाहरण? हां, तुम्हारे दिमाग के परे उनका दिमाग पहुंच गया, इसलिए तुम उन्हें को पागल समझते हो और वो तुम्हें पागल समझते हैं। जैसे कोई कूड़ा करकट बटोरते नजर आवे तो आप कहोगे ना पागल है, भगवत विमुखता से जो भी तुम संग्रह करते हो सब कूड़ा करकट है, और वो उसको महत्व दिए हैं तो तुम उसका त्याग कर रहे हो, तो उनको लगता है ये पागल है, इसको छोड़ के जा रहा है। और अपने को लगता है ऐसी महामहिम जो हमें प्रियालाल की प्रेम राशि का मार्ग मिला उसको छोड़ करके ये बटो ये पागल, उनकी नजर में वो पागल, उनकी नजर में वो पागल। भजन करने में ऐसी महामहिम ज्ञान शक्ति जागृत होती है जो ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त है, मान लीजिएगा, वो महिमा वो सामर्थ्य ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। एक भक्त है जो ठाकुर जी को दुलार करके उनके साथ खेलता है, वही ब्रह्मा जी जब देखते हैं कवल लिए हुए बंसी फेट में कांप जाते हैं, जब वैभव देखते हैं, भक्त तो नहीं कांपता ना, उनसे लड़ जाता है, मान लो उनके सखाजन उनसे लड़ जाते हैं, है ना, इनका श्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सामर्थ्य उनकी है। देखो ना, सब डर रहे हैं प्रहलाद जी, क्या डर रहे हैं क्या प्रभु से, कितनी श्रेष्ठ सामर्थ्य है।